this is your grammar book English grammar book as I have completed the second lesson of this book subject and the predicate I have told you what is subject and what is predicate subject means who does the work is called subject and predicate which completes the meaning of subject is called predicate we have completed this lesson and as I have given you some homework but some of you asking how will I make this uh, exercise so today i will solve this exercise let's practice divide the sentences into subjects and predicates and rewrite them in the table below we are getting table here you will have to divide the subject and the predicate and we are getting the sentences there are nine sentences and you will have to divide the subject what is subject and what is predicate in the first sentence the earth moves around the sun पृथ्वी सूरज के चारों ओर परिक्रमा करती है तो विच इज सब्जेक्ट हेयर इन दिस सेंटेंस विच इज़ सब्जेक्ट एंड विच इज प्रेट सब्जेक्ट इज द नेम ऑफ पर्सन एनिमल थिंग और प्लेस दैट वी स्पीक अबाउट इन अ सेंटेंस एंड पीडिकेट इज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट सेज समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट इट कंटेंस डूइंग भव डूइंग वर्ड और द भ सब्जेक्ट क्या हो गया नाम किसी भी नाम इन, जानवर इंसान चीज का नाम जिसके बारे में हम लोग इसमें सेंटेंस में क्या करते हो बोलते हैं वाक्य में हम लोग बोलते हैं उसको क्या कहते हैं सब्जेक्ट कहते हैं या जो काम को करता है उसे हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं प्रीडिकेट किसे कहते हैं प्रीडिकेट एक वाक्य का क्या होता है हिस्सा होता है जो कहता है कि सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहता है और उसमें क्या क्या शामिल होता है उसमें भट्ट शामिल होता है तो यहाँ फर्स्ट सेंटेंस में देखिए द अर्थ मूव्स अराउंड द सन तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हो गया हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग अर्थ के बारे में बात कर रहे हैं जैसा कि मैं आप लोग को बताई कि वी स्पीक अबाउट इन द सेंटेंस इज कॉल सब्जेक्ट या हु डज अवर्क तो यहाँ पे अर्थ क्या हो गया सब्जेक्ट हो गया और प्रीडिकेट यानी कि प्रीडिकेट जो क्या कहता है सब, से समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट यानी प्रीडिकेट वो हुआ जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहता है और उसमें क्या क्या शामिल होता है प्रीडिकेट में वर्ब होता है तो यहाँ पे वर्ब क्या है मूव्स मूव्स मिस होता है घूमना तो यहाँ पे हम लोग को मिल गया ये सब्जेक्ट है द अर्थ क्या है यहाँ पे सब्जेक्ट और प्रीडिकेट क्या हुआ मूव्स अराउंड द सन

विशाखा वी आर टॉकिंग अबाउट विशाखा है एंड शी इज डूइंग द वर्क ऑफ लिविंग इन मुंबई तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सेकंड नंबर में विशाखा दिस इज सब्जेक्ट लिव्स इन मुंबई विशाखा कहाँ रहती है मुंबई में रहती है नंबर थ्री द वेदर इज वेरी कोल्ड मौसम बहुत ज़्यादा क्या है ठंडा है व्हाट इज़ सब्जेक्ट हेयर एंड वाट इज प्रिडिकेट हेयर द वेदर वेदर इज़ सब्जेक्ट हेयर एंड विच इज़ प्रिडिकेट इज़ वेरी कोल्ड वेदर यानी कि मौसम क्या है बहुत ज़्यादा ठंडा है तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हो गया हम लोग सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं और प्रीडिकेट क्या होगा प्रीडिकेट के प्यास हमेशा क्या होगा एक भर्ब होगा तो इज़ वेरी कोल्ड इस पर भी शामिल होता है नंबर फोर आई लाइक मैंगोज एंड एप्पल्स मुझे आम और सेब सेब पसंद है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सवाटी सब्जेक्ट हेयर सब्जेक्ट हेयर आई आई सब्जेक्ट हेयर आई लाइक मैंगोस एंड एप्पल नंबर फाइव द गंगा इज अ होली रिवर गंगा क्या है गंगा नदी गंगा क्या है एक पवित्र नदी है तो विच इज सब्जेक्ट हेयर द गंगा बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट गंगा इज़ आ होली रिवर दिस इज प्रिडिकेट नंबर सिक्स हाउ कलरफुल इज द बटरफ्लाई कितनी रंग बिरंगी तितली है एज आई हैव टोल्ड यू इन द सम सेंटेंस प्रिडिकेट कम्स फॉर्ड बिफोर द सेंटेंस अब मैं जैसा कि मैं आप लोगों को बताई थी प्रिडिकेट कभी कभी क्या होता है सब्जेक्ट से पहले आता है तो यहाँ पे प्रिडिकेट क्या है और सब्जेक्ट क्या है हाउ कलरफुल इज द बटरफ्लाई यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है विच इज सब्जेक्ट हियर बटरफ्लाई बिकॉज बटरफ्लाई इज डूइंग द वर्क ऑफ कलरफुल वी आर टॉकिंग अबाउट वी स्पीक अबाउट बटरफ्लाई हम लोग किसके बारे में बात करें हम लोग बटरफ्लाई के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हो गया द बटरफ्लाई द बटरफ्लाई उसके बाद क्या हो जाएगा हाउ कलरफुल इज दिस इज प्रिडिकेट हेयर हाउ कलरफुल इज नंबर सेवन वाट अ गुड प्लेयर इज ही कितना अच्छा खिलाड़ी है वो तो इन दिस सेंटेंस विच दिस सब्जेक्ट इन विच इज प्रिडिकेट हेयर ही इज सब्जेक्ट हेयर एंड इज वाट अ गुड प्लेयर इज दिस इज प्रिडिकेट विकास बी स्पीक अवट ही वाट आ गुड प्लेयर इज एट नंबर शी इज सेलिब्रेटिंग हर बर्थडे वो अपना जन्मदिन मना रही है वाट इज सब्जेक्ट हेयर शी शी इज डूइंग द वर्क ऑफ सेलिब्रेटिंग शी क्या हो गया यहाँ पे सब्जेक्ट सेलिब्रेटिंग हर बर्थडे नंबर नाइन वी सी स्टार्स एट नाइट हम लोग रात में सितारे देखते हैं व्हाट इज सब्जेक्ट हेयर वी वी सब्जेक्ट हेयर सी स्टार्स एट नाइट प्रिडिकेट वी हैव कंप्लीटेड दिस एक्सरसाइज नंबर बी मैच इज सब्जेक्ट टू इट्स प्रिडिकेट टू मेक द कंप्लीट सेंटेंस देन री राइट द सेंटेंस इन द स्पेस प्रोवाइडेड बिलो आप लोगों को क्या करना है सब्जेक्ट और उसके जो प्रीडिकेट है उसको मैच करना है जो हम लोग को क्या देता है एक कम्प्लीट सेंस देता है सटीक मायने देता है और उसको क्या करना है उसको नीचे यहाँ पे कुछ ब्लैंक दिए गए हैं कॉलम दिए गए उसमें क्या करना है स्पेस है उसको फिल करना है तो पहला हम लोग को क्या मिला है फिश गो टू स्कूल टू लर्न गुड थिंग्स क्या ये हम लोग को सटीक मायने दे रहा है नहीं दे रहा है तो हम लोग को क्या करना है इसको मैच करना है तो फ़िश फिश के लिए फ़िश का जो पीडिकेट है वो किससे मैच कर रहा है गो टू स्कूल टू लर्न गुड थिंग्स स्मेल्स स्वीट हैज फ्स टू स्विम मछली का क्या होता है पंख होता है जिसकी मदद से वो लोग क्या करती हैजेंस टू स्विम फिश हैज फिश फिंस टू स्वीम मछली का पंख होता है तैरने के लिए तो ये हम लोग को क्या मिला सटीक मायने मिला इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे फिश टू नंबर बी आ पेंगुइन गो टू स्कूल स्मेल स्वीट आर माउंटेन्स कैन नॉट फ्लाई इज आ रिवर इज वेल्थ इज अ स्टार इज अ कनिंग एनिमल हैजे फिट यहाँ पे क्या सटीक हो जाएगा पेंगुइन क्या नहीं कर सकती है? उड़ नहीं सकती तो पेंगुइन कैन नॉट फ्लाई पेंगुइन ऐसी चिड़िया जो क्या नहीं कर सकती है? उड़ नहीं सकती है द पेंगुइन कैन नॉट फ्लाई नंबर सन गो टू स्कूल टू लर्न आर माउंटेन्स कैन नॉट इज वेल्थ इज अ स्टार सूरज क्या है एक तार, सितारा है तारा है तो हम लोगों को क्या लिखना है द सन इज अ स्टार सन इज स्टार सूरज एक तारा है नंबर फोर वी हम लोग वी गो टू स्कूल टू लर्न गुड थिंग्स हम लोग स्कूल जाते हैं कुछ अच्छी चीज सीखने के लिए फोर नंबर में क्या हो जाएगा वी वी गो टू स्कूल टू लर्न गुड थिंग्स हम लोग स्कूल जाते हैं अच्छी चीजें सीखने के लिए नंबर फाइव हेल्थ हेल्थ इज वेल्थ सेहत क्या है दौलत है नंबर सिक्स द फॉक्स लोमड़ी इज अ कनिंग एनिमल लोमड़ी क्या है एक चालाक जानवर है द फॉक्स इज कनिंग एनिमल कनिंग में होता है चालाक नंबर सेवन द रोज स्मेल स्वीट रोज रोज का सुगंध कैसा होता है मीठा होता है द रोज स्मेल्स स्वीट नंबर एट द डक हैज वेब टोज डक जो बत्तख होता है बत्तख का जो फू टोज यानी कि पैर का अंगूठा कैसा होता है जाली नुमा होता है द डक ज वेब्ड टू नंबर नाइन द हिमालिया आर माउंटेन्स हिमालय क्या है पहाड़ है द हिमालियाज आर माउंटेन्स द हिमालियाज आर माउंटेन्स नंबर टेन द यमुना यमुना क्या है इज अ रिवर यमुना क्या नदी है द यमुना इज अ रिवर यमुना एक नदी है तो ये क्या हो गया हम लोग सब्जेक्ट और पीडिकेट को क्या किए मैच किए कम्प्लीट सेंस यानी कि ऐसा आ, ऐसा देना चाहिए सेंस मतलब हम लोग को सटीक सेंस मिलना चाहिए सटीक मायने के साथ हम लोग क्या किए कॉलमी या कॉलम्बी को मैच किए अब ये देखिए लेट्स एक्टिव लेट्स एक्टिव राइट प्रिडिकेट पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हम लोग को क्या करना है ये जो तो यहाँ पे सब्जेक्ट दिए गए हैं अब इसका क्या, क्या करना है प्रिडिकेट का जो इसका जो हिस्सा है उसको कंप्लीट करना है डॉग डॉग को देख के हम लोग को क्या प्रिडिकेट एक कंप्लीट प्रीडिकेट का सेंस क्या मिलता है डॉग गार्ड्स आवर हाउसेस कुत्ता हमारे घर की क्या करता है हिफाजत करता है आप लोगों को क्या करना है इसको सारे अपनी नोट कॉपी में एक बार अच्छे से उतार लेना है बिना कुछ मिस्टेक किए हुए बिना स्पेलिंग मिस्टेक किए हुए द डॉग हम लोग को सही प्रीडिकेट का पार्ट क्या मिलेगा द डॉग गार्ड्स आवर हाउसेस कुत्ता हमारे घर की क्या करता है हिफाजत करता है माई पेरेंट्स लुक आफ्टर मी मेरे माँ बाप मेरा क्या करते हैं ध्यान रखते हैं द लायन द लायन इज द किंग ऑफ फॉरेस्ट शेर क्या है जंगल का राजा है द लायन इज द किंग ऑफ फॉरेस्ट नंबर फोर द पोस्टमैन डिलीवर द लेटर डाकिया क्या डाकिया क्या लाता है हम लोग को लाके देता है चिट्ठी डिलीवर करता है द पोस्टमैन डिलीवर्स लेटर्स नंबर फाइव आई नर्स लुक आफ्टर द पेशेंट नर्स जो है क्या करती है मरीजों का ध्यान दे रखती है द नर्स लुक आफ्टर लुक्स आफ्टर पेशेंट नर्स जो है मरीजों का ध्यान रखती है इस इस लेसन में हम लोग सब्जेक्ट के बारे में जाने और प्रीडिकेट के बारे में जाने कि एक सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है और एक क्या होता है प्रीडिकेट होता है सब्जेक्ट वो होता है जो काम को करता है या जिसके बारे में हम लोग क्या कहते हैं बोलते हैं और प्रीडिकेट क्या होता है जो सब्जेक्ट के अधूरे सब्जेक्ट के अधूरे अर्थ को क्या करता है पूरा करता है सब्जेक्ट के मीनिंग को पूरा करता है और प्रीडिकेट में क्या क्या शामिल होता है एक भर्व शामिल होता है तो आज हम लोग क्या किए इसका ये सेकेंड लेसन का सारा हम लोग एक्सरसाइज कंप्लीट किए कि, कि यहाँ पे सेंटेंस दिया गया है उसके उसको सब्जेक्ट और प्रीडिकेट क्या है उसको लिखना है उसके बाद यहाँ पे यहाँ पे क्या दिया गया है ए कॉलम और ए बी दिया गया है यहाँ पे सब्जेक्ट भी है प्रीडिकेट भी है लेकिन यहाँ पे हम लोग को ऐसा सब्जेक्ट को इस उस, उस प्रीडिकेट के साथ मैच करना है जो हम लोग को क्या दे रहा हो एक सही सेंस देता हो कंप्लीट सेंस आप लोग यहाँ पे मैच किए और यहाँ पे लास्ट वाले में क्या है यहाँ पे सब्जेक्ट दिए गए हैं और हम लोग को प्रिडिकेट लिखना है कि जो क्या हो कंप्लीट सेंस दे तो इस तरह से ये क्या होता है सारा कंप्लीट आप लोग क्या कीजिएगा इसको अपने नोट कॉपी में उसको उतार लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इसको पढ़ने की कोशिश कीजिएगा ये ये लेसन आपका कंप्लीट होता है